हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, जैसा कि हम लोग अपने इस चैनल पे बात करते हैं हेयर केयर, स्किन केयर और आप कह सकते हैं ऑल बॉडी केयर के बारे में, तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोगों को चॉकलेट खाना पसंद है और आप लोग चॉकलेट नहीं खाते हैं वेट को लेकर या फिर कोई भी रीज़न हो, चॉकलेट खाना अगर आप पसंद करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी टॉप 5 बेनिफिट्स। अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको कौन कौन से 5 बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ हैं उनको चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है बट वो अवॉइड करती हैं वेट को लेकर, या फिर आप कह सकते हैं कि सोचती हैं कि मोटे हो जाएंगे, ऐसी कुछ बातें। तो मैं जो भी 5 पॉइंट्स शेयर करूँगी, इस पॉइंट्स को आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि चॉकलेट जो है वो कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, सभी चीज़ों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको भी चॉकलेट खाना पसंद है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो गाइस, जो सबसे पहली बेनिफिट है वही है वजन घटाने में हेल्पफुल होता है चॉकलेट। जी हाँ, तो ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट जी हाँ, ये स्टडीज़ में पता चला है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, इस तरह के प्रोसेस पे हैं तो चॉकलेट का आप यूज़ कर सकते हैं। बट चॉकलेट में आपको यूज़ करना है डार्क चॉकलेट का। जी हाँ, ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में गाइस कि जो लोग थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में डार्क चॉकलेट का आप कह सकते हैं कंजप्शन यानी कि सेवन करते हैं, वो लोग वेट को लूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ईजिली वेट लूज़ कर लेते हैं बाकी लोगों के मुकाबले, मैं कहूँगी। जी हाँ, तो अगर आप चॉकलेट खाना अवॉइड कर रहे हैं स्पेशली वेट इशू के लिए तो ऐसा मत करिए, लिमिटेड पोर्शन में खाइए बट ज़रूर खाइए डार्क चॉकलेट। जी हाँ, नॉर्मल चॉकलेट नहीं, मैं डार्क चॉकलेट की बात कर रही हूँ। डार्क चॉकलेट अगर आप खाते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा वेट लूज़ करने में और आपका मूड तो अच्छा रहेगा ही क्योंकि आपने चॉकलेट। नेक्स्ट बेनिफिट है गाइज कि ये आपके दिल की सेहत को आप कह सकते हैं हेल्दी रखता है। जी हाँ, यानी कि हार्ट अटैक वगैरह या हार्ट स्ट्रोक वगैरह आने से बहुत हद तक प्रिवेंट करता है डार्क चॉकलेट। जी हाँ, तो अगर आप चॉकलेट नहीं खाते हैं तो आज ही खाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके दिल के लिए। जी हाँ, क्योंकि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट डार्क चॉकलेट में पाए जाते हैं वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप लिमिटेड पोर्शन में या फिर आप कह सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में अगर चॉकलेट खाते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, हार्ट अटैक वगैरह आने में आपको आप कह सकते हैं काफ़ी रोकेगा, काफ़ी बचाव होगा। तो अगर आप भी सोचते हैं कि चॉकलेट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट अभी ही बता दिए, एक तो कि ये वेट लॉस करने में भी आप कह सकते हैं हेल्प करता है, साथ में आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल का दौरा वगैरह आपको ना पड़े, हार्ट आपकी हेल्दी रहे, हार्ट स्ट्रोक ना आए, लंबे समय तक आप जो है हेल्दी रहें, तो डार्क चॉकलेट का आप कह सकते हैं सेवन स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बेनिफिट है गाइस कि चॉकलेट एक ग्रेट स्ट्रेस बस्टर है। जी हाँ, अगर आपको स्ट्रेस होता है या आपको अभी स्ट्रेस हो रहा है तो आप एक चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा लेकर जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो अंदर जाके आपके बॉडी में जाके माइंड में एक अच्छे आप कह सकते हैं कि मैसेजेस देते हैं, जिससे आपका जो बॉडी है वो आप कह सकते हैं खुश होता है, उस तरह के हॉर्मोन्स आते हैं जो थोड़ा सा खुश फील करवाते हैं आपको। जी हाँ, तो चॉकलेट जो है ये स्ट्रेस को आराम से दूर भगाने में, लाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपका मूड ऑफ है, अगर आप किसी भी रीज़न से परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो चॉकलेट का आप कह सकते हैं यूज़ करिए, खाइए उसको, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका जो मूड है वो काफ़ी हद तक लिफ्ट होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं हैप्पीनेस फील होगी अंदर से। चॉकलेट खाने से इस तरह के हॉर्मोन्स आप कह सकते हैं डेवलप होते हैं गाइस, जैसे आपको फील होता है कि कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ, हैप्पीनेस फील होती है अंदर से, आपका मूड अच्छा और लिफ्ट हो जाता है गाइस। कैंसर से बचाता है चॉकलेट। जी हाँ, ये आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी बट ये बिल्कुल सच है गाइस। तो आप कह सकते हैं कि चॉकलेट यानी कि डार्क चॉकलेट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उसमें जो कोको होता है वो बहुत हद तक हेल्प करता है कैंसर को प्रिवेंट करने में। जी हाँ, क्योंकि जो कोको है उसमें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो कि आप कह सकते हैं कैंसर के जो भी सेल्स हैं उनको डेवलप होने से रोकता है। जी हाँ, तो चॉकलेट इस मायने में भी बहुत हेल्दी है, कोई बड़ी बीमारी वगैरह आपको ना हो उसके लिए थोड़ा बहुत चॉकलेट अगर आप डेली नहीं कि लिमिटेड क्वान्टिटी में 1-2 दिन बीच करके अगर आप खाते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर तरह अच्छा है गाइज। वेट लॉस होता है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, साथ में कैंसर को भी रोकता है, आप देख ही रहे हैं। और इसके पहले भी मैंने मूड को भी आपके लिफ्ट करता है, अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। तो ये हर मामले में विन विन सिचुएशन है, मैं कहूँगी आपको हर तरह से बस फायदे ही फायदे मिल रहे हैं। बेनिफिट है गाइज कि ये आपके माइंड की जो भी शक्ति है उसे भी बढ़ाता है। जी हाँ, क्योंकि आपके माइंड में जो भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है उसको ये काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। जब आप चॉकलेट खाते हैं तो 2-3 घंटे तक आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, तो उससे आपका माइंड काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर
आपकी याददाश्त थोड़ी कम हो रही है, नॉर्मल रीज़न की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी थोड़ी कम हो रही है, आपका एज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आप चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे लिमिटेड क्वांटिटी में चॉकलेट खाते हैं तो जो भी कोको वगैरह पाए जाते हैं चॉकलेट में या जो भी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं वो आपके ब्रेन में काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करेंगे और जो भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है उसे अच्छे से होने देंगे, जिससे कि आपकी याददाश्त तेज होगी, आपका ब्रेन जो है वो अच्छे से वर्क करेगा और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। तो ये कुछ टिप्स थी गाइस जो मैंने आपके साथ शेयर किए, टिप्स नहीं कहेंगे बेनिफिट्स शेयर किए चॉकलेट खाने के। जी हाँ, तो अगर आप भी चॉकलेट खाना पसंद करते हैं बट नहीं खाते हैं किसी भी रीज़न से कि वेट बढ़ जाएगा या ये सही नहीं है ये सब कुछ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। डार्क चॉकलेट स्पेशली बहुत अच्छा होता है आप सभी के लिए, और ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो तो मैन वुमेन दोनों के लिए ही बताए हैं, बट स्पेशली अगर आप गर्ल हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके स्किन पे, हेयर पे, नेल्स पे, सभी चीज़ों पे एक अच्छा इफेक्ट डालता है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये आपके अंदर में बॉडी में वर्क कर रहा है तो ये बाहर निकल कर तो आएगा ही, तो आपके हेयर भी शाइनी बनेंगे, स्किन भी अच्छी बनेगी और नेल्स वगैरह भी काफ़ी शाइन करेंगे और अच्छे से ग्रोथ भी होंगे। तो अगर आपने चॉकलेट खाना स्टॉप किया हुआ है तो आज से ही जाकर चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, पोर्शन जो है वो काफ़ी लिमिटेड रखिए जिससे कि आपका वेट गेन ज़्यादा ना हो, बट जैसे ही आप लिमिटेड खाना स्टार्ट करेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा और आपके लिए हेल्दी भी रहेगा। आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैं ये जानती हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी डार्क चॉकलेट को आप कह सकते हैं एक हेल्दी फूड में आप कह सकते हैं शामिल कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अच्छे अच्छे स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए गाइज, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए